हेलो बच्चा पार्टी लोग, वेलकम टू द चैनल स्टडी के अभिलाष। आई होप कि आप लोगों ने पिछला लेक्चर रेडी कर लिया होगा, क्योंकि ये जो आने वाला लेक्चर है वो उससे इंटर रिलेटेड है। सो स्टडी के अभिलाषा में मैं अभिलाष आपका स्वागत करता हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 to 1907, देशभक्ति की लड़ाई के लिए, देश की लड़ाई के लिए जो पहला दौर था, ये है आज का टॉपिक। इफ़ वी सी द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू थ्री मेन फेजेस, एंड दोज फेजेस आर द अर्ली नेशनलिस्ट 1885 to 1907, द असर्टिव फेज 1907 to 1916, एंड द गांधियन एरा 1915 to 1947। अगर भूल गए हो डिक्शनरी, नोटबुक और पेन रखना, सो वीडियो पॉज करो, गो एंड गेट इट एंड मेक द नोट्स, नॉट ओनली बाय सीइंग व्हाट इज डिस्प्लेड इन द वीडियो बट आल्सो बाय लिसनिंग टू द वॉइस। सो लेट्स बिगिन विद द अर्ली नेशनलिस्ट्स। शुरुआती समय पे, इन इट्स इनिशियल ईयर्स, द कांग्रेस वॉज लेड बाय अ ग्रुप ऑफ लीडर्स नोन एज द अर्ली नेशनलिस्ट्स। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वर ड्रॉन फ्रॉम द एजुकेटेड मिडिल क्लास कंसिस्टिंग ऑफ प्रोफेशनल्स, एंड दोज प्रोफेशनल्स इंक्लूड द लॉयर्स, बैरिस्टर्स, टीचर्स एंड ऑफिशियल्स, who drew inspiration from Western thought. Many of them were educated in England and felt that the British intended to be just to Indians, but they were unaware of the true state of affairs in India. हिंदी में समझते हैं। शुरुआती दौर पे कांग्रेस जो है उसको लीड कर रहे थे जो लीडर्स, जो नेता, उन्हें उस वक्त कहा गया अर्ली नेशनलिस्ट्स। इस ग्रुप के मेंबर्स जो थे ये पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोग थे, जिनमें अधिकतर वो लोग थे जो पेशे से या व्यवसाय से वकील थे, बैरिस्टर्स थे, शिक्षक थे या ऑफिशियल थे, अफसर थे। इन्होंने इंस्पिरेशन, इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? फ्रॉम द वेस्टर्न थॉट, पाश्चात्य सभ्यता। थोड़ी ज़्यादा हिंदी हो गई बट वेस्टर्न थॉट्स, पाश्चात्य विचार। अधिकतर इनमें से जो थे वो खुद इंग्लैंड से शिक्षित होकर के आए थे और उन्हें लगता था कि ब्रिटिश जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है इंडियंस के साथ। बट चूंकि उन्होंने पढ़ाई वहाँ से किया, इंग्लैंड से, सो जब वो हिंदुस्तान लौट के आए तो ये जो टाइम पीरियड था जब वो वहाँ बिता रहे थे, यहाँ के स्टेट ऑफ अफेयर्स, यहाँ के हालात, यहाँ की स्थिति, यहाँ की परिस्थिति से पूरी तरह से अवगत नहीं थे। ये तो जान लिया हमने उनके बारे में कि वो पेशे से क्या थे, क्या उनके विचार थे। अब देखते हैं अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे कौन, कहाँ से थे। सो द अर्ली नेशनलिस्ट इंक्लूड लीडर्स फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से ये थे। जैसे हम बंगाल की बात करें तो वहाँ से डब्ल्यू सी बनर्जी, राज बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आर सी दास। महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो यहाँ से थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और जस्टिस एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। देश के अन्य भागों की बात करें सो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से पी आर नायडू, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंदाचार्लू,
ये थे उत्तर प्रदेश से पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और कुछ लिबरल इंग्लिशमैन भी इसमें मौजूद थे, जैसे एओ ह्यूम एंड वेडबर्न। ये सारे नाम याद रखिएगा, आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। सो द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स हु लेड द कांग्रेस एंड द नेशनल मूवमेंट इन द इनिशियल ईयर्स वर स्टॉन्च बिलीवर्स इन ओपन माइंडेड एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स। दे बिलीव्ड इन लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन। बी सी पाल, एन अर्ली नेशनलिस्ट लीडर, सेड इन 1887 दैट आई एम लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज विथ मी लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज आइडेंटिकल विद द लॉयल्टी टू माई ओन पीपल एंड माई ओन कंट्री। दे वॉन्टेड दैट इंडियंस शुड हैव द प्रॉपर एंड लेजिटिमेट शेयर इन द गवर्नमेंट। दे आस्क्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर रिफॉर्म्स विद इन द फ्रेमवर्क द ब्रिटिश रूल। एज दे हैड फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले, दे बिलीव दैट कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रिटिश कनेक्शंस विद इंडिया वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ इंग्लैंड एंड इंडिया। दे कंसर्न देमसेल्व्स विद द डिमांड फॉर रिफॉर्म्स। द डिमांड्स वर मॉडरेट इन नेचर। हिंदी में समझते हैं इसी चीज़ को। तो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर जो कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय स्तर के जो आंदोलन, जो मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट चल रहे थे शुरुआती दौर पे, तो वो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे ये कट्टर बिलीवर। उनकी सोच ये थी, एक तो वो बड़े ओपन माइंडेड थे और उनकी पॉलिटिक्स बड़ी मॉडरेट थी, मतलब कोई अहिंसावादी ये सब नहीं वो चाहते थे। और ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उनके दिल में निष्ठा थी, उनके दिल में वफादारी थी। बी सी पाल ने, जो कि एक अर्ली नेशनलिस्ट लीडर थे, 1887 में कहा था कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति निष्ठावान हूँ क्योंकि मेरे साथ जो भरोसा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर मेरा है वो सेम वही भरोसा मुझे मेरे लोगों के ऊपर है और मेरे देश के ऊपर है। इनका मानना या चाहना ये था कि इंडियंस के पास प्रॉपर और लेजिटिमेट यानी कि कानूनी शेयर हो गवर्नमेंट का, ये चाहते थे। इनकी डिमांड थी कि चाहे वो संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल या किसी अन्य तरह का बदलाव रिफॉर्म हो, वो सब अंडर द फ्रेम ऑफ द ब्रिटिश रूल होना चाहिए क्योंकि उनको भरोसा था ब्रिटिश क्राउन के ऊपर, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस और ब्रिटिश के फेयर जजमेंट के ऊपर उनको भरोसा था। इनका ये भी मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्रिटिश कनेक्शन विद इंडिया, जो संबंध ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदुस्तान के साथ है, वो हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों के हित के लिए है। दे कंसर्न देमसेल्व्स विद द डिमांड फॉर रिफॉर्म्स। दोनों के दोनों जो हैं देश, यहाँ पे बदलाव आएंगे अगर हम इस पॉलिसी को फॉलो करें, ब्रिटिश फ्रेमवर्क को फॉलो करें। और उनकी डिमांड्स जायज़ हैं, मॉडरेट थी इन नेचर, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं थी, बड़ी मॉडरेट सी उनकी डिमांड्स थी। बात करते हैं बिलीफ या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। सो अर्ली नेशनलिस्ट्स हैड फेथ इन द सेंस ऑफ जस्टिस, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इन द सेंस ऑफ जस्टिस, फेयर प्ले, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ब्रिटिश। पूरा उनका समर्पण जो है वो ब्रिटिश के प्रति था। इट वॉज देयर होप दैट द ब्रिटिश वुड ग्रांट होम रूल टू इंडियंस। दे रिलाइड ऑन द सोलम प्लेजेस मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। स्वराज मिलेगा हमें, ये उनकी उम्मीद थी, ये उनकी होप थी।
दे बिलीव दैट द ब्रिटिश रूल हैड मैनी बेनिफिट्स, कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि इट एडेड इन क्लेंजिंग सोशल इल्स लाइक सती, अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो हम पिछले लेक्चर्स में डील कर चुके हैं अच्छे से। जो अभी नए हैं वो देख सकते हैं पुराने लेक्चर्स। देन नेक्स्ट इज द देवर ऑफ द ओपिनियन दैट ब्रिटेन वुड हेल्प इंडियंस गवर्न देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स। उनका ये भी मानना था कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया की मदद करेगा कि इंडिया खुद को इस तरह से चला सके जैसे वेस्टर्न स्टैंडर्ड, जैसे इंग्लैंड चलता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज चलती है, जैसे इंग्लैंड का साम्राज्य चलता है वैसे ही हिंदुस्तान चले। ये अर्ली नेशनलिस्ट का मानना था। देन इनका ये भी कहना था द मेन ऑब्स्टिकल, जो सबसे बड़ी मुसीबत थी इन इंडियाज प्रोग्रेस, वॉज सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ इंडियंस एंड नॉट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। मतलब माने कि जो मेन ऑब्स्टिकल था हिंदुस्तान की तरक्की का वो हिंदुस्तान में सामाजिक और आर्थिक जो पिछड़ापन था, बैकवर्डनेस था इंडियंस का। ये उनका मानना था कि इंडियंस पिछड़े हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल नहीं, इसलिए हमें सुधार की ज़रूरत है। इसके अलावा दे रिलाइड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड्स टू अचीव देयर एम्स। इनका कोई भी अहिंसा नहीं करना था, बड़े ही कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को शांतिप्रिय ढंग से ये चाहते थे कि ये अपने गोल को अचीव करें। दे बिलीव्ड इन पेशेंस एंड रिकन्सिलिएशन रादर देन इन वायलेंस एंड कॉन्फ्रंटेशन। लड़ाई झगड़ा हिंसा बिल्कुल भी इन्हें रास नहीं आती थी। मूवमेंट चल रहा है, अब चूंकि मूवमेंट इतना बड़ा है, जहाँ देश की बात है, देश को आज़ाद कराने की बात है, तो वहाँ लाजमी हैं कुछ मांगे होंगी, कुछ डिमांड्स होंगी। सो आइए देखते हैं कि उनकी डिमांड्स क्या थी। वैसे तो बहुत सारी डिमांड्स थी, उनको क्लासिफाई किया गया है और यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ चार मेन डिमांड्स और उसके सब हेडिंग्स। पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है देश की, हिंदुस्तान की, उसमें एक बड़ा शेयर हम हिंदुस्तानियों को मिलना चाहिए, जो सही भी था। दे बिलीव दैट इवेंचुअली इंडिया शुड मूव टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट। चाहते थे इंडिया, हिंदुस्तान जो है वो मोनार्की नहीं डेमोक्रेटिक कंट्री बने, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज हो हमारा। However, they did not ask for immediate achievement of their goal as they feared that the government would suppress their activities. हालांकि अपनी इस मांग को उन्होंने immediately बिल्कुल भी नहीं कहा कि हमें ये तुरंत चाहिए, क्योंकि उन्हें एक डर था कि ऐसा करने से गवर्नमेंट इनकी एक्टिविटीज़ को दबा देगी या नज़रअंदाज कर देगी। They therefore aimed at winning freedom through a gradual process. इसलिए उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार किया कि वो धीरे धीरे जा कर के अपनी डिमांड्स को हासिल करेंगे। इन्होंने ये सारी डिमांड्स बनाई। पहला, अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोथ एट द सेंटर एंड द प्रोविंस लेवल। प्रोविंस मतलब स्टेट, प्रदेश, राज्य, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ये सब क्या है? प्रोविंस। इंक्रीज, तीसरी डिमांड थी इनकी, इंक्रीज इन द मेंबरशिप ऑफ द इंडियंस बाय इंक्लूडिंग सम मेंबर्स इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज लाइक चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़, इन सब जगह से इंडियंस को इलेक्ट करो एंड बाय गिविंग ग्रेटर पावर्स टू देम। क्योंकि इलेक्शन जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनके हाथ में आएगी क्या? पावर्स। They demanded Indian control over the public purse and raised the slogan "No taxation without representation." ये स्लोगन याद रखिएगा और समझिएगा, टैक्स नहीं पे करेंगे जब तक जाने नहीं जाएंगे,
नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, हमें हमारा वजूद वापस करो। बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी दे मेड अ डिमांड फॉर स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर लाइक द सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें भी इनकी डिमांड में थी। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइस रॉय एंड दोज ऑफ द गवर्नर्स, तो ये सारी मांगें जो थी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की मांगें थी अर्ली नेशनलिस्ट्स की, बट तरीका उनका बड़ा शांतिप्रिय वाला, शांतिपूर्ण, गांधी जी वाला टाइप का था। दूसरा था इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक यानी इकोनॉमिक। इसमें क्या था, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स अगेंस्ट अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द जमींदार्स, जो टैक्स कलेक्शन करते हो, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हो, उसमें कमी करो। किसानों को सुरक्षित रखो, जमींदार्स क्योंकि उनसे मुंह मांगी कीमत वसूल करते रहे, जो पे कर पाना उनके हैसियत से बाहर होता था। दूसरा था रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी, आर्मी में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, आर्मी के खर्चों को थोड़ा कम करो। एंड द मनी दस सेव टू बी स्पेंट ऑन वेलफेयर एक्टिविटीज़, उसी पैसे को किसी अच्छे कामों में लगाओ जिससे वेलफेयर हो, जैसे हेल्थ में लगाओ, एजुकेशन में लगाओ। अब देखिए आज लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बड़े बड़े देश जो हैं वहाँ पे आज सबसे अधिक किस चीज़ की कमी पड़ रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़, बेड नहीं है लोगों के पास, 10 बेड हैं तो 100 मरीज हैं। एक्सपेंडिचर कहाँ खर्च किया जाता था, रोड बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, पुतला बनाने में, कहाँ करना चाहिए था, आज समझ में आ रहा है। तो ये उनकी डिमांड थी कि आर्मी को करो बट इतना ज़्यादा मत करो, थोड़ा पैसे बचा करके हेल्थ एंड एजुकेशन पे फोकस करो। तीसरा डिमांड था एन इंक्वायरी इनटू इंडियाज ग्रोइंग पॉवर्टी एंड फैमिन, हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ती क्यों जा रही है, खाने के वांदे हो गए हैं, तो इसके ऊपर एक इंक्वायरी करिए और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए। देन उधार, क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट टू पीजेंट्स, किसानों को क्रेडिट जो है वो चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले एग्रीकल्चरल बैंक्स के थ्रू। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, इरिगेशन, मेडिकल, हेल्थ फैसिलिटीज़ आम जनता के लिए, ये सारी डिमांड्स बड़ी लाजमी डिमांड थी उनकी, बड़ी काबिल डिमांड थी और जायज़ सही भी थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू ट्रेड प्रोटेक्शन, दैट मीन्स दैट अ हैवी टैक्स शुड बी इम्पोज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एंड द गवर्नमेंट शुड गिव लोन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयरन, कोल, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज, इन सारी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए क्योंकि इनकी खपत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। एंड टोटल सॉल्ट के ऊपर से तो पूरा टैक्स हटा दो, टोटल एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड द ड्यूटी ऑन शुगर, शक्कर और नमक से पैसे मत कमाओ, यही उनकी डिमांड थी जो इकोनॉमिक के अंडर आती थी। अगली दो डिमांड्स थी एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स और डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स। क्या थी एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स, इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, जो सेवाएं गवर्नमेंट की चालू हैं उसमें इंडियंस को भी रखो थ्रू साइमल्टेनियस ICS, जो आज की डेट में IAS एग्ज़ाम होता है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग बनना चाहते हैं IAS, बट नहीं मालूम है सो मालूम करो एंड डू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर UPSC, MPSC एंड बी एन IAS और IPS ऑफिसर। सो IAS इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS इज इंडियन पुलिस सर्विसेज, ऐसे एलाइड बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, लाइक IFS होती है, बहुत सारी। सो उस वक्त IAS जो सर्विस होती है आज की डेट में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उन्हें ICS इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था। तो ये बोला गया कि ICS के थ्रू आप एग्ज़ाम लो हिंदुस्तान में और इंग्लैंड में, जो काबिल है उसको आप ऑफिसर बनाओ
ये नहीं कि वो अंग्रेज़ है इसलिए वो ऑफिसर बनेगा, हमें इंडियंस को भी अधिकार दो। दूसरी डिमांड थी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। दे मेड दिस डिमांड टू प्रोटेक्ट इंडियंस फ्रॉम द आर्बिट्ररी एक्ट्स ऑफ द पुलिस एंड द ब्यूरोक्रेसी। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा सिविक्स में जो हम पढ़ते हैं, थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, वो अलग अलग इसलिए किया गया है ताकि आजकल देखिए बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर फेक केस लगा देते हैं, फॉल्स केसेस लगा देते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर पुलिस सर्वे सर्वा हो ना तो ह्यूमन राइट्स की पूरी बैंड बजा दें, तो ऐसा नहीं हो इसलिए जुडिशियरी जो है वो आती है और वहाँ पे जजेस, हमारा जुडिशियल सिस्टम एक्ट करता है और इंसाफ सही जो है वो दिलाता है। तो इसकी शुरुआत उस समय हुई थी, समझ में आया होगा। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी होता है, वो होता है प्रेस एंड मीडिया। प्रेस एंड मीडिया, आजकल सोशल मीडिया भी आ गया है, तो पब्लिक जो है वो जाने क्या सही है और क्या गलत। चलिए आते हैं तीसरी डिमांड पे, इंक्रीज इन द पावर्स ऑफ द लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज एंड रिडक्शन ऑफ ऑफिशियल कंट्रोल ओवर देम। रिपील, रिपील यानी कि एनलमेंट, कैंसिलेशन ऑफ आर्म्स एक्ट एंड लाइसेंस एक्ट, वाइडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस इन द हायर ग्रेड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या होता है, डिक्शनरी लिए हो तो देखो जरा एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मैनेजमेंट करना किसी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में, करेक्ट। छठी डिमांड थी स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ और मेडिकल के बाद आ गया एजुकेशन अमंग द मासेस। सेवेंथ है इम्प्रूवमेंट ऑफ द पुलिस सिस्टम टू मेक इट ऑनेस्ट, एफिशिएंट एंड पॉपुलर बाय गिविंग अ फेयर ट्रायल। सो ये सारी डिमांड्स थी अर्ली नेशनलिस्ट की अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स। अगला है डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स। अर्ली नेशनलिस्ट डिफेंडेड सिविल राइट्स व्हेनेवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू कर्टेल देम। इन फैक्ट इट वॉज बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल वर्क डन बाय द अर्ली नेशनलिस्ट दैट डेमोक्रेटिक आइडियाज बिगेन टू टेक रूट अमंग इंडियंस। So here are some early nationalist demands following civil rights. The very first one is the removal of the restriction imposed by the British government on freedom of speech, freedom of the press. बोलने की आज़ादी और प्रेस, प्रेस वो कपड़े वाला प्रेस नहीं यानी कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्फलेट्स जो छाप करके लोगों को अवेयर किया जाता था वो सब बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उन्हें डर था कि अब ये सब एक हो जाएंगे इंडियंस। तो अर्ली नेशनलिस्ट के इसलिए ये डिमांड थी। ये सब हम कवर कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, जिनका छूट गया है वो देख लें एक बार पिछले लेक्चर्स। दूसरा था अबॉलिशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एंड रिस्टोरेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज़। ये बहुत ज़्यादती होती थी, कंप्लेंट कर दो किसी के ऊपर या किसी को भी पकड़ लो, डिटेंशन में डाल दो, जेल में डाल दो, तो इसके लिए भी लड़ाई हुआ उस समय, आज़ादी लोगों की छिन रही थी। सो रिस्टोरेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज भी इनकी मांग थी। अगली मांग थी इनकी रिस्टोरेशन ऑफ राइट टू असेंबल एंड टू फॉर्म एसोसिएशंस। ये भी ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया था क्योंकि डर था उनको, उनका तो क्यों राज किया था हिंदुस्तान में इतने साल, कौन सी पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। तो ये भी इन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसके अंतर्गत हिंदुस्तानियों को एसोसिएशंस बनाने की या कहीं एक जगह इकट्ठा होने की परमिशन नहीं थी। तो अर्ली नेशनलिस्ट का ये भी डिमांड था कि ये सब वापस से उनको अधिकार मिले हिंदुस्तानियों को, ताकि वो एसोसिएशंस बनाएं और कहीं इकट्ठा हो सकें, असेंबल हो सकें। सो अर्ली नेशनलिस्ट वर प्रैक्टिकल, दे वॉन्टेड टू विन फ्रीडम बाय अ ग्रेजुअल प्रोसेस। दे डिड नॉट एम एट हाई डिमांड्स बिकॉज दे वॉन्टेड टू वर्क ऑन द लाइन्स ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंस। वो वही चाहते थे, वही डिमांड करना चाहते थे जिन्हें, उनको यकीन था कि हाँ ये बिना किसी
रेजिस्टेंस बिना किसी विद्रोह के मान ली जाएंगी। बिसाइड्स, इनके अलावा दे डिड नॉट वॉन्ट टू राउज सीरियस ऑपोजिशन, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी किसी भी डिमांड का बहिष्कार हो, ऑपोजिशन हो, तो इसलिए इनकी कोई हाई डिमांड्स भी नहीं थी। तो यही सारी मांगें थी, यही सारी डिमांड्स थी अर्ली नेशनलिस्ट्स की। आप देख सकते हैं, अगर आप गौर करें सारी चीज़ें, कि आज भी उस समय किया हुआ चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा दे रही हैं। तो मांगे हमने देख ली, डिमांड्स देख ली। अब डिमांड्स के बाद आते हैं मेथड्स के ऊपर। सो मेथड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, द मेथड पॉपुलरली नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड, इट वॉज फॉलोड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट। तो मेथड का नाम याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशनल मेथड, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड। दे बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन विद द लीगल फ्रेमवर्क एंड स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस। द मेथड्स अडॉप्टेड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट हैड टू ऑब्जेक्टिव्स। इसके दो सेट थे। द फर्स्ट सेट ऑफ मेथड्स, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वॉज टू एडुकेट पीपल इन इंडिया। सबसे पहले लोगों को अवेयर बनाओ, एजुकेट करो, शिक्षित करो, मॉडर्न पॉलिटिक्स बताओ। देन टू अराउज नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, लोगों के अंदर जागरूकता जगाओ, जागरूकता पैदा करो। किस चीज़ की? राष्ट्र की, राष्ट्रीय राजनैतिक जागरूकता, नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। एंड टू क्रिएट अ यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन, लोगों को जोड़ो, पब्लिक के अंदर बहुत ताकत होती है। इस पर्पस के लिए दे रिलाइड ऑन द फॉलोइंग मेथड्स। द नंबर वन, दे हेल्ड मीटिंग्स। आप समझ में आया डिमांड क्यों थी इनकी, कि असेंबल करने दें, इंडिविजुअल लिबर्टीज को रिस्टोर करें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने दें, ताकि ये मीटिंग कर सकें, जहाँ पे स्पीचेस दी जाती थी, भाषण दिए जाते थे, रेजोल्यूशंस पॉपुलर डिमांड्स के पास किए जाते थे, लोगों ने सुनते थे, समझते थे कि हाँ ये हमारे लिए सही है। दे मेड यूज़ ऑफ द प्रेस, इसलिए डिमांड किया था पहले कि प्रेस एक्ट को भी हटाओ। तो प्रेस का इस्तेमाल करते थे ताकि गवर्नमेंट की वो सारी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकें जो गलत हैं, जिनसे लोगों का नुकसान हो रहा है, जिनसे लोगों के अधिकार छिन रहे हैं। फिर दे सेंड मेमोरेंडम्स, पिटीशंस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दीज पिटीशंस वर केयरफुली ड्राफ्टेड विद फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। इन पिटीशंस को प्रॉपरली फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंसेस के आधार पर तैयार किया जाता था। दो दीज पिटीशंस वर एड्रेस टू द गवर्नमेंट, देयर रियल एम वॉज टू एडुकेट द इंडियन पीपल। हालांकि ये पिटीशंस भेजा तो गवर्नमेंट के पास जाता था, बट इसका रियल एम होता था कि इससे हिंदुस्तानी आवाम, हिंदुस्तानी जनता शिक्षित हो। सेकेंड सेट ऑफ मेथड्स, द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्ली नेशनल्स वॉज टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ब्रिटिश पब्लिक। दूसरी जगह पे क्या करना चाहते थे, कि प्रेरित करना चाहते थे, इन्फ्लुएंस करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ब्रिटिश पब्लिक को, ताकि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, इस गोल तक पहुंचा जा सके। तो ये सारे फॉलोइंग मेथड्स ये फॉलो करते थे। द फर्स्ट वन इज़ द यूज़ ऑफ 3 P's। पीज वो मटर वाला पीज नहीं है, पी अपोस्ट्रोफियस। पिटीशंस, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट्स। पिटीशंस भेजते थे, रिक्वेस्ट करते थे, लेटर्स भेजते थे प्रोटेस्ट के, एंड प्रेयर करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भैया हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम्स को समझो, एक तो हमारे देश में आके व्यापार के बहाने आए, यहाँ के पूरे सिस्टम को चेंज किया, रूल किया, अब कम से कम हमारा देश है, हम यहाँ के लोग हैं, तो हमारी प्रॉब्लम को तो समझो। एक ब्रिटिश कमिटी
ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप की गई लंदन में 1889 में, विच पब्लिश्ड अ वीकली जर्नल इंडिया, इंडिया उस जर्नल का नाम था, टू प्रेजेंट इंडियाज केस बिफोर द ब्रिटिश पब्लिक। जिन्हें जर्नल का मीनिंग नहीं आता है ना, प्लीज़ रेफर डिक्शनरी, JOURNAL। तो ये कमिटी बनाई गई, इसके बाद डेप्यूटेशंस हुए इंडियन लीडर्स के, इंडियन लीडर्स को ब्रिटेन भेजा गया। ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं ये एक्टिव प्रोपेगेंडा कैरी करते थे अपने साथ ब्रिटेन में, डिस्कशन करने के लिए कि ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी। फॉर एग्जांपल, दादा भाई नौरोजी स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन ब्रिटेन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग ब्रिटिश पीपल एंड पॉलिटिशियंस अबाउट द प्लाइट ऑफ इंडियंस, हिंदुस्तानियों की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन में बिताया, ताकि लोगों को जागरूक कर सकें, ब्रिटिशर्स को जागरूक कर सकें, पॉलिटिशियंस को जागरूक कर सकें, उन्हें ये बता सकें कि हिंदुस्तानियों की क्या समस्या है। कम ऑन, लेट्स सी द अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। ये सब करने के बाद उनको हासिल क्या हुआ? सो अर्ली नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेड द मोस्ट प्रोग्रेसिव फोर्स ऑफ द टाइम। दे मेड द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट, अर्ली नेशनलिस्ट क्रिएटेड नेशनल अवेकनिंग अमंग पीपल दैट दे बिलोंग टू वन कॉमन कंट्री। ये हिंदुस्तानियों के अंदर विचार कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा देश एक है, ये अर्ली नेशनलिस्ट की ही देन थी। इन्होंने हिंदुस्तानियों के अंदर बॉन्ड तैयार किया ऑफ कॉमन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट। हमें रियलाइज़ कराया कि हाँ, हम एक हैं। ये वो अर्ली नेशनलिस्ट ही थे जिन्होंने लोगों को ट्रेन किया राजनीति में, पॉलिटिक्स में, बाय पॉपुलराइजिंग द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी, सेक्युलरिज्म एंड नेशनलिज्म, देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता। डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज़, ये सारी चीज़ों से अवगत कराया। अर्ली नेशनलिस्ट डिड पायनियरिंग वर्क बाय एक्सपोजिंग द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने पायनियर किया, पायनियर मतलब नहीं मालूम, सो सी डिक्शनरी, आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू, बाय एक्सपोजिंग द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ट्रू नेचर ब्रिटिश का क्या था, क्या था उनका असली चेहरा मुखौटे के पीछे, उन्होंने हिंदुस्तानियों को रियलाइज़ करवाया कि आए तो व्यापार के लिए थे, लेकिन हम लोगों की अंदर डिसइंटिग्रिटी देख करके, हम लोगों के अंदर अखंडता, ये जो अलग अलग हम रहते हैं, यूनिटी नहीं है, डिसयूनाइटेड रहते हैं, इस वजह से इन्होंने हमें बेवकूफ़ बना करके हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। दे मेड पीपल रियलाइज द इकोनॉमिक कंटेंट एंड कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। By doing so, they weakened the foundations of the British rule in India. जब अधिकतर आवाम ये जान गई कि ब्रिटिश एक्चुअली हैं क्या और हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इससे they weakened the foundations of the British rule in India. इनका political और economic program established the truth that Indian must be ruled in the interest of the India must be ruled in the interest of the Indians. The efforts of early nationalists led the following reforms. पहला तो ये हुआ भैया कि 1886 में the appointment of a public service commission, जो आज भी है, UPSC, MPSC, जो मैंने बोला था, that is the Union Public Service Commission, state level पे अपने अपने state का होता है, जैसे MPPSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, MPSC, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन 1886 यानी 1886 में अपॉइंटमेंट हुआ इसका, किसकी वजह से? हमारे अर्ली नेशनलिस्ट, डू रिस्पेक्ट देम। अ रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स वॉज पास्ड इन 1893 फॉर साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर द ICS, रिमेंबर, इंडियन सिविल सर्विसेज, लंदन में भी होंगी और हिंदुस्तान में भी होंगी इसकी परीक्षाएँ। वेलबी कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ
इंडियन एक्सपेंडिचर के ऊपर 1895 में, इंडियन काउंसिल्स एक्ट बना 1892 में। तो ये सारी अचीवमेंट्स थी अर्ली नेशनलिस्ट की, जिसने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। अब भाई देखो, अब डिमांड हो गई, अचीवमेंट हो गए, तो अचीवमेंट कभी भी आते हैं, तो यार क्रिटिक्स कैसे पीछे रहें। अच्छी मूवी बनाओ, मूवी कैसी भी बनाओ, क्रिटिक्स तुम्हें मिल ही जाएंगे। मूवीज़ छोड़ो, ज़िंदगी में काम कुछ भी करो, अच्छा करो तो भी क्रिटिक मिलेंगे, बुरा करो तो भी क्रिटिक मिलेंगे, क्रिटिसिज्म मिलेगा। सो ये हमारे अर्ली नेशनलिस्ट कैसे बचे रह सकते हैं थे, तो क्रिटिसिज्म्स क्या थे? पहला, द मेथड्स यूज्ड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन एंड सेंडिंग पिटीशंस, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये गैर वाजिब है, इनएडिक्वेट है। दे डिपेंडेड अपॉन द जेनरॉसिटी ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ एंड चैलेंजिंग द इम्पीरियलिस्ट माइट। देन दे फेल टू रियलाइज दैट ब्रिटिश एंड इंडियन इंटरेस्ट क्लैश्ड विथ ईच अदर। इनको लग रहा था कि जो ब्रिटिश सोचते हैं और जो इंडियन सोचते हैं, ये सोच जो है ये एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है, टकरा रही है। ब्रिटेन वॉज यूजिंग इंडियाज रिसोर्सेज टू इंक्रीज इट्स वेल्थ। ऑफकोर्स ये बात तो सही थी कि ब्रिटिश हिंदुस्तान के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही थी और अपनी जेबें भर रही थी। द अर्ली नेशनलिस्ट फेल टू ड्रॉ द मासेस इन टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द नेशनल मूवमेंट। द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वॉज लिमिटेड टू द अर्बन एडुकेटेड इंडियंस। इन पर्टिकुलर देयर लीडरशिप वॉज कन्फाइंड टू प्रोफेशनल ग्रुप्स सच एज लॉयर्स, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट एंड टीचर्स। ऑफकोर्स तो ये था अचीवमेंट एंड क्रिटिसिज्म अर्ली नेशनलिस्ट्स का। होप आपको समझा होगा। अच्छा, लेक्चर्स के दौरान अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, सो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थोड़ा इंटरेक्टिव रहिए, इंटरेक्टिव रहना अच्छा होता है। कोई डाउट है सवाल करिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है सवाल करिए, अच्छा लगा है तो भी बताइए। इट विल बी अ काइंड ऑफ अप्रिसिएशन टू आर टीम। नाउ लेट्स सी ऑफिशियल एटीट्यूड टूवर्ड्स द कांग्रेस। ब्रिटिश ऑफिशियल का क्या रवैया रहा है? सो इन द बिगनिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट लुक्ड अपॉन द कांग्रेस मूवमेंट विद फेवर। पहले उनके तरफ थे। इनफैक्ट अ फ्यू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड टुक पार्ट इन इट्स डेलिब्रेशंस। द कांग्रेस मेंबर्स वर इन्वाइटेड टू अ गार्डन पार्टी बाय द वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन इन कोलकाता इन 1886 एंड द गवर्नर ऑफ चेन्नई इन 1887। बट द ऑफिशियल एटीट्यूड सून चेंज्ड। शुरुआत में साथ थे, बाद में उनका रवैया थोड़ा सा बदल गया। लॉर्ड डफरिन ट्राई टू डाइवर्ट द नेशनल मूवमेंट बाय सजेस्टिंग टू ह्यूम दैट द कांग्रेस शुड डिवोट इटसेल्फ टू सोशल रादर देन पॉलिटिकल अफेयर्स। इन्होंने सीधा निर्देश दिया ए ओ ह्यूम को कि आपकी जो पार्टी है उसको अपना मोटिव समाज की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन राजनीतिक स्तर पर। हाउ एवर, इंस्टीड ऑफ बींग अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द अथॉरिटीज, द कांग्रेस ग्रेजुअली बिकम्स द फोकस ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। 1887 में लॉर्ड डफरिन अगेन अटैक्ड द नेशनल कांग्रेस इन हिज स्पीच। अटैक मतलब ऐसा नहीं डंडा लेके दौड़ा दिए। पॉलिटिकल अटैक्स जो होते हैं वो शब्दों से ही होते हैं, कटाक्ष से होते हैं। अपनी स्पीच में इन्होंने मजाक उड़ाया एंड रिडिक्यूल्ड नेशनल कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, टॉन्ट कस दिया। अब भाई ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये टॉन्ट ही कस देते हैं, क्योंकि शब्दों से ही मारते हैं।
ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्रिटिसाइज द नेशनल कांग्रेस एंड ब्रांडेड इट्स लीडर्स एज, उन्होंने उनका नाम रख दिया डिसलॉयल बाबूज एंड वॉयलेंट विलन्स, DB and VV। वाओ, सो रिमेंबर दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही यादगार लम्हा है जहाँ पे पहले हमारे सपोर्ट में थे ब्रिटिशर्स और उसके बाद इनका रवैया चेंज हो गया। 1890 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वर फॉरबिडन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द कांग्रेस डेलिब्रेशंस और अटेंडिंग एनी ऑफ दिट्स मीटिंग्स। रियलाइजिंग दैट द ग्रोइंग यूनिटी ऑफ द इंडियंस, हिंदुस्तानियों के बीच यूनिटी बढ़ती जा रही थी, एकता बढ़ती जा रही थी, तो ये जब रियलाइज़ हुआ इट पोज्ड अ मेजर थ्रेट टू देयर रूल ऑफ कोर्स द ब्रिटिशर्स। द ब्रिटिश पुश्ड फर्दर द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, बोला था ना तोड़ो और राज करो। द एंकरेज सईद अहमद खान राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, जो आजकल वाराणसी कहा जाता है, एंड अदर प्रो ब्रिटिश इंडिविजुअल्स टू स्टार्ट एन एंटी कांग्रेस मूवमेंट। दे सोड सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम को लड़ाए ऑन द वन हैंड एंड बिटवीन द इंडियन मासेस एंड देयर लीडर्स, दूसरी तरफ नेता और आम जनता को लड़ाए। दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग माइनर कंसेशन टू पुट डाउन द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। हाउएवर देयर पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन एंड हॉस्टिलिटी मेड द कांग्रेस ऑन द कॉन्ट्ररी मोर पावरफुल। तो इनका ये जो गेम था, ये इनकी कोशिश थी जो नाकाम हुई। तो इस तरह से चूहा बिल्ली का खेल जो है, ये ब्रिटिशर्स और इंडियंस लीडर्स खेल रहे थे। अब हम इन डिटेल प्रोमिनेंट अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स के नाम, उनका कार्यकाल, उनके बारे में जानेंगे एंड उनके बट नेचुरली द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट हैड लेड मार्क्स ऑन द इंडियन हिस्ट्री, नॉट ओनली मार्क्स बट द गोल्डन मार्क्स। सो द वेरी फर्स्ट वन इज दादा भाई नौरोजी, 1825 to 1917। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। मुंबई के एक पारसी परिवार में जन्म 4 सितंबर 1825 1825 में हुआ। ही वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन एल्फिंस्टन कॉलेज एट मुंबई 10 सालों तक। इन 1855 ही लेफ्ट द टीचिंग प्रोफेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड एज अ पार्टनर इन अ फर्म। इन 1869 मुंबई लौट के आए वो, और मुंबई के मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्ट हुए। बाद में टाउन काउंसिल में इनका इलेक्शन हुआ। इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन स्थापित किया, एक न्यूज़पेपर के एडिटर भी रहे, रास्त गोफ्तार स्पीकर ऑफ ट्रूथ। इन्होंने एक मैगज़ीन भी शुरू की धर्म मार्गदर्शक। ही स्टार्टेड मूवमेंट्स अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड एट्रोशियस ट्रीटमेंट ऑफ पुअर पीजेंट्स बाय ज़मींदार्स, वो उस समय का हॉट टॉपिक हुआ करता था। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, सो फर्स्ट वन इज़ द इंडियाज़ अनऑफिशियल एम्बेसडर। एम्बेसडर मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हिंदी में राजदूत भी कहा जाता है। ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड दादा भाई वॉज लुक्ड अपॉन एज इंडियाज़ अनऑफिशियल एम्बेसडर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ हिज कंट्री। इन 1865 ही फाउंडेड द लंडन इंडिया सोसाइटी इन कोलेबरेशन विद डब्ल्यू सी बॉनर्जी टू पब्लिसाइज ग्रीवांसेस ऑफ इंडियंस। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेम्बर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड। वाइल ही वॉज अ मेम्बर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ही ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द हाउस इम्पॉर्टेंट मैटर्स रिलेटेड टू इंडिया। ही वॉज इन फेवर ऑफ अपॉइंटिंग एडुकेटेड इंडियंस टू हाई पोस्ट। इट वॉज ड्यू टू हिज एफर्ट्स दैट इन 1893 द हाउस ऑफ कॉमन्स पास्ड अ रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ होल्डिंग द इम्पीरियल सिविल सर्विसेस। इंडियन सिविल सर्विसेज, इम्पीरियल सिविल सर्विसेज सेम है।
इम्पीरियल मीन्स रिलेटेड टू ब्रिटिश. सो ICS एग्जामिनेशन स्टार्टेड इन इंडिया एंड इंग्लैंड साइमल्टेनियसली. इट वॉज इज कॉन्ट्रीब्यूशन. इन 1866 ही फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंडन. द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सून बिकेम पॉपुलर एंड इट्स ब्रांचेस वर ऑल सेट अप इन कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई. उस समय मद्रास कहा जाता था. कोलकाता कैलकटा था, मुंबई बॉम्बे और चेन्नई मद्रास. दूसरा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, ही प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दी कांग्रेस. दादा भाई का रोल कांग्रेस में बड़ा ही प्रशंसनीय रहा है, बड़ा ही प्रेजवर्दी रहा है. ही टुक एन एक्टिव पार्ट इन द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वॉज इलेक्टेड इन द इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट थ्राइस इन द ईयर 1886, 1893 एंड 1906. रेजोल्यूशंस ऑन सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकॉट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन वर पास्ड बाय द कांग्रेस अंडर हिज प्रेजिडेंटशिप ओनली. The credit for demanding Swaraj from the Congress platform for the first time in the year 1906 goes to him. In his presidential address, he said the Congress wanted self-government. Self-government मतलब Swaraj, Swa मतलब हिंदी में self, Raj मतलब government, like that of United Kingdom or the other colonies. Third contribution was expose the economic ills of India. As an economic thinker, he came to the conclusion that the root cause of the economic ills of India was the exploitation of India by the British. Dada Bhai's views on Indian economy are given in his work entitled Poverty and Un-British Rule in India. His famous drain theory explained how India's wealth was being drained to England through various ways. Dada Bhai Nauroji passed away in 1977, leaving behind a lesson of selfless service to the nation. देश के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा इन्होंने किया था. सी वाई चिंतामणि हैड राइटली सेड द पब्लिक लाइफ ऑफ इंडिया हैड बीन अडॉर्न्ड बाय अ गैलेक्सी ऑफ ब्रिलियंट इंटेलेक्ट्स एंड सेल्फलेस पेट्रियट्स, बट देयर हैज बीन इन आर टाइम नन कंपेरेबल विथ दादा भाई नौरोजी. अगले महान नेता गोपाल कृष्ण गोखले, 1866 टू 1915, 1866 से 1915. गोपाल कृष्ण गोखले वॉज बॉर्न एट कोल्हापुर इन महाराष्ट्र इन 1866. ही वॉज अ प्रोफेसर, येट अगेन अ टीचर of history and economics at Ferguson College, Pune. He was influenced by the ideals of Justice M.G. Ranade. बाद में इन्होंने ज्वाइन किया Deccan Education Society, जो रानाडे ने ही खुद बनाई थी. On behalf of the society, he went to England and to propagate Indians' views before the Philby Commission. He was awarded the title of CIE, that is the Companion of Indian Empire. Gopal Krishna Gokhale became the most popular leader of the Indian National Congress. He presided over the Varanasi session of the Congress in 1905. Having faith in British liberalism, he said, "The goal of the Congress should be the attainment of a form of government similar to that which existed in the self-governing colonies of the British Empire." यानी कि जो गोल कांग्रेस का है, इट शुड बी द अटेनमेंट ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वो तब हासिल हो गया माना जाएगा जब हम कुछ इस तरह की गवर्नमेंट बना लेंगे जो कि सिमिलर होगी ठीक ब्रिटिश एम्पायर की सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज की गवर्नमेंट के जैसे. ये उनका कहना था. इनके भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, देखते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द परसुएडेड, ही परसुएडेड द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म्स. गोखले ने
हमेशा फेवर किया। गोखले फेवर द यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अचीव हिज गोल्स। ही अपोज द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वेर एवर नेसेसरी वेन एवर नेसेसरी एंड ही क्रिटिसाइज गवर्नमेंट ऑन इशूज सच एज ब्रिटिश आर्मी के ऊपर ज़्यादा खर्चे मत करो, पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा इनका कहना था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मत करो, स्पेशली जब आप अपॉइंटमेंट टू द हाई पोस्ट कर रहे हो, काबिलियत देखो जात धर्म नहीं। तीसरा प्रोडक्शन टैक्स कॉटन पे हटा दो। ही ऑल्सो मेड अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर फॉर द रिफॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पैसेज ऑफ मिंटो मोरले रिफॉर्म्स। ही ऑल्सो सर्वड एज अ मेम्बर ऑफ द इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अर्ज टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंडियंस इन हायर सर्विसेज। ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंग्लैंड ही ट्राइड टू परसुएड द ब्रिटिश स्टेट्समैन नॉट टू गिव इफेक्ट टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोखले सेट अप द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। द मेन एम ऑफ द सोसाइटी वॉज टू ट्रेन नेशनल लीडर्स हु वुड डेडिकेट देमसेल्व्स टू द सर्विस ऑफ इंडिया। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी वर श्रीनिवास शास्त्री एंड हृदयनाथ कुंजरू। तीसरा कॉन्ट्रीब्यूशन इनका हिज रोल एज अ मेंबर ऑफ ILC इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन 1902 गोखले बिकेम द मेंबर ऑफ द ILC। ही प्लीडेड इन द काउंसिल फॉर रिडक्शन इन सॉल्ट ड्यूटी, एबॉलिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन कॉटन गुड्स। हिज रिलेंटलेस एफर्ट्स लेड टू रिडक्शन इन टोल टैक्स। ही ट्राइड टू इंट्रोड्यूस अ बिल विद अ व्यू टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी बट ही कुड नॉट अचीव मच सक्सेस इन इट। बींग एन इकोनॉमिस्ट ही ऑल्सो डिमांडेड रेडिकल चेंजेस इन द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल वर्ड कहीं भी आता है इकोनॉमिक्स में, सो इट मीन्स इट्स रिलेटेड टू फिनेंस और फिनेंशियल। ओके एंड बेटर जॉब्स फॉर द एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये सारे इनके बींग इकोनॉमिस्ट डिमांड थे। ही इम्प्रेस्ड अपॉन द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू। लेट्स सी लिंक बिटवीन गोखले एंड गांधी जी। गोखले वेंट टू साउथ अफ्रीका वेयर ही हेल्प गांधी जी इन हिज फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। द क्रेडिट ऑफ परसुएडिंग गांधी जी टू रिटर्न टू इंडिया, हिंदुस्तान लौटना गांधी जी का एंड ज्वाइनिंग इंडियन पब्लिक लाइफ गोज टू गोखले। इन फैक्ट गांधी जी एक्सेप्टेड गोखले एज अ पोलिटिकल मेंटर। गोखले डाइड ऑन February 15, 1915 व्हेन हिज पॉपुलैरिटी वॉज एट इट्स पीक। पॉपुलर हुआ करते थे ये लोग भी वैसे ही जैसे आज की डेट में शाहरुख खान अमिताभ बच्चन होते हैं। आप यकीन मानिए अपने दादाजी नाना या कोई बुज़ुर्ग से पूछिएगा कि जब कभी ये लोग ट्रैवल करते थे तो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग इन्हें देखने के लिए आते थे। और यकीन मानिए और ये जन समूह ठीक उसी तरह होता है जैसे आज की डेट में फैंस का होता है अपने फेवरेट सेलिब्रिटी या स्टार को देखने के लिए। एंड इट्स अ फैक्ट। अगले अर्ली नेशनलिस्ट हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी 1848 to 1925। एक नेशनलिस्ट लीडर, पॉपुलर जर्नलिस्ट और डेडिकेटेड एजुकेशनिस्ट। आप देख सकते हैं सारे के सारे लीडर का कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जुड़ाव टीचिंग प्रोफेशन से ज़रूर रहा है। ही वॉज बॉर्न इन बंगाल इन 1848। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये एक बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पहला भारतीय जिसने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को उत्तीर्ण किया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ही वर्कड एज अ मैजिस्ट्रेट इन असम एज वेल बट ही वॉज सून डिसमिस्ड बिकॉज ही अपोज द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉलोड बाय द ब्रिटिश। सुरेंद्र नाथ बिगैन हिज करियर
as a professor of English at Metropolitan College. He set up his own school, which later developed into Ripon College. सुरेंद्रनाथ वॉज इलेक्टेड टू द कोलकाता कॉरपोरेशन, कैलकाटा कॉरपोरेशन उस समय जाना जाता था, एंड रिमेंड इट्स मेंबर फॉर नियरली 2 decades, 20 सालों तक उसके मेंबर रहे हैं. ही वॉज इलेक्टेड टू द बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल 4 times. इन 1921 ही वॉज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड हेल्थ बाय द गवर्नर ऑफ बंगाल. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड दैट पोजिशन. बैनर्जी साहब ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे ऐसे फर्स्ट फर्स्ट वाले. ही एडवोकेटेड मतलब होता है सपोर्ट करना. ही एडवोकेटेड यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ इंडियाज़ गोल्स. हिज फेमस सेइंग वॉज ऑपोजिशन वेयर नेसेसरी, कोऑपरेशन वेयर पॉसिबल. ऑपोजिशन वेयर नेसेसरी, कोऑपरेशन वेयर पॉसिबल. विरोध जहाँ ज़रूरी हो और सहयोग जहाँ मुमकिन हो, ये उनका कहना था. काफ़ी शानदार लाइन बोले हैं, बड़ी ही इंस्पायरिंग है. इनके कंट्रीब्यूशन पहले थे, ही एस्टैब्लिश द इंडियन एसोसिएशन टू फाइट अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश. ही फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन इन 1876. इट्स एम वर टू एडुकेट पीपल, टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री एंड टू अराउज पोलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड यूनिटी. दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन था, ही क्रिएटेड एन ऑल इंडिया पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. इन ऑर्डर टू क्रिएट एन ऑल इंडिया पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सुरेंद्रनाथ कॉन्वीन्ड द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883 एट कोलकाता. His Indian National Conference merged with the Indian National Congress in 1886, as both organization had similar objectives. दोनों के objectives similar हैं, so दो अलग अलग organization रखने का कोई उद्देश्य नहीं बनता है, तो इसलिए इसको मर्ज कर दिया गया. He presided over 2 sessions of Congress in 1895 and 1902. तीसरा political idea जो था वो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, पॉलिटिकल आइडियाज़. बैनर्जी एडिटेड अ न्यूज़पेपर बंगाली विच सर्व्ड एज अ पावरफुल मीडियम फॉर मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन. हिज बुक नेशन इन द मेकिंग गिव्स एन अकाउंट ऑफ हिज पॉलिटिकल कंसर्न एंड हिज व्यूज अबाउट सेल्फ गवर्नमेंट. बैनर्जी स्टार्टेड एजुटेशन अगेंस्ट लाइसेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एंड अगेंस्ट लोवरिंग द एज फ्रॉम 21 to 19 years. To appear in the ICS exam. He opposed Morley Minto reforms of 1909, which introduced separate electorates for the Hindus and Muslims. उन्होंने बोला कि भाई वोटिंग तो सिटीजन करता है, अब हिंदू है या मुसलमान इसके आधार पर आप विभाजित मत करें. And he also opposed the division of Bengal, जो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905, जिसकी वजह से एक और देश बना बांग्लादेश. बांग्लादेश पहले यूनाइटेड था, बाद में डिवाइड हुआ ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल को हम बांग्लादेश नाम से जानते हैं. बैनर्जी वॉज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. ही ब्रेथेड हिज लास्ट इन द ईयर 1925. यार ये हिस्ट्री का चैप्टर जब पढ़ाओ सो बड़ा अच्छा लगता है, इंसान अंदर तक डूब जाता है डीपली उन थॉट्स में, उनके जुनून भरे जोश भरे एक्ट्स में. बट फिर जब ये बात आ जाती है ना, ही डाइड इन और ही लेफ्ट अस, थोड़ा सा फील होता है. एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. ये था पहला दौर, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. होप आपको पसंद आया होगा. जैसा भी लगा हो, जो भी लगा हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. स्टडी की अभिलाषा, इसी तरह आपके लिए और भी लेक्चर्स लेके आते जाएंगे. आपको जिन भी टॉपिक्स पे लेक्चर चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं. जिन भी सब्जेक्ट पे, जिन चैप्टर्स पे चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं.
मैं आपसे एक और मेरी खुशी साझा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि हमने जब से ये एक नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और देश के सभी बच्चे चाहे वो जिस भी वर्ग से हों, गरीब हों, अमीर हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सब हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं और सबको फ़ायदा हो रहा है। हमारे इस काम को, हमारी टीम के इस काम को देख करके ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन, जो एक नेशनल एनजीओ है, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हमारे काम को सराहा, हमें इस अवार्ड से नवाजा। ज़फ़र पीरजादा जी और ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभिलाष अमर सिन्हा, अब इजाज़त चाहते हैं आप सब का समय देने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया।